पीड़ितों के बचाव कार्य में भाग लेकर प्रशासन का सहयोग करने वाले योद्धाओं के लिए अहेरी स्थित पुलिस मुख्यालय कार्यालय में अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। पिछले एक सप्ताह से हो रही भारी बारिश से अहेरी अनुमंडल के कई गांव प्रभावित हुए हैं। कई लोगों के घरों में पानी घुस गया, लोगों के घर गिर गए, पालतू जानवर बाढ़ में बह गए, नागरिकों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। ऐसी भयावह स्थिति में जबकि लोगों ने अपने परिवारों के साथ घर पर सुरक्षित रहना उचित समझा, स्वराज्य फाउंडेशन के सदस्य आधी रात को प्रशासन और नागरिकों के साथ लोगों को बचाने के लिए दौड़े चले आए। उसके बाद वह दिन भर बाढ़ पीड़ितों की मदद करते रहे। स्वराज्य फाउंडेशन द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। यह सब देखकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमोल ठाकुर साहब ने स्वराज्य फाउंडेशन के कार्यों, नागरिकों द्वारा किए गए कार्यों पर ध्यान दिया और उन्हें अपने कार्यालय में आमंत्रित किया और उनका अभिनंदन किया और कहा कि स्वराज्य फाउंडेशन द्वारा किया गया कार्य बहुत गर्व की बात है। और उन्होंने कहा कि ऐसी प्राकृतिक आपदा के दौरान प्रशासन को ऐसे सामाजिक संगठन और नागरिकों के सहयोग की आवश्यकता है। आगे उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग समाज के कार्यों में हमेशा उनके साथ रहेगा। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों का अभिनंदन सामाजिक कार्यों में कार्य करने की शक्ति देता है। अहेरी से BCN न्यूज़ के लिए आसिफ पठान की रिपोर्ट।